तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई चमत्कार नहीं है। कई लोग इसको चमत्कार मानते हैं, लेकिन इसके पीछे साइंस है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारे पहाड़ों में पानी कहां से आता है। कई लोगों का कहना है कि धारे से पानी आता है, कोई बोलते हैं गधेरे से पानी आता है, कोई बोलता है नल से ही पानी आता है। लेकिन नल, गधेरे और ये धारे में पानी कहाँ से आता है, आज तक ये आपको किसी ने नहीं बताया। तो यही बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अभी जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको जंगल में ही पता चलेगा कि हमारे पहाड़ों में आखिरकार पानी कहाँ से आता है। तो चलिए। तो गाइस, जिनका कहना है कि हमारे पहाड़ों में गधेरों से पानी आता है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ तो मैं गधेरे ही में बैठा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इस गधेरे में एक भी पानी की बूंद अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये मानसूनी गधेरा है, बस्याई गधेरा जिसको हम बोलते हैं। गधेरे दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, एक मानसूनी गधेरा जिसमें कि सिर्फ मानसून के टाइम पर ही पानी आता है, जब बारिश होती है। तो आई बटन पर आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी, तो मैंने जब यहाँ पर इस गधेरे में बहुत सारा पानी आ रहा था तभी मैंने वीडियो बनाई थी, तो इस के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ऐसा गधेरा भी जहां पर कि 12 महीने पानी आता है, और वो पानी कहां से आता है वो भी आपको आगे वीडियो में मैं बताते चलूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइज, अभी हम उस गधेरे में पहुंच चुके हैं जहां के लिए मैं बोल रहा था कि जहां पर 12 महीने ही पानी आता है। ये कोई मानसूनी गधेरा नहीं है, बस अंतर इतना है, आजकल आप देख सकते हैं पानी की मात्रा थोड़ा कम है, और मानसून के टाइम पे गधेरे में थोड़ा बहाव जो है पानी का तेज हो जाता है, पानी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन देखिए, उस गधेरे में पानी नहीं था, वो भी एक गधेरा था, और ये गधेरा ये भी है, यहाँ पर भी ये पानी आ रहा है, और ना ही आज बारिश हो रही है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है ये भी मैं आपको कुछ टाइम के बाद बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको पानी आते हुए नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये पानी कहाँ से आता है, अगर मैं उस जगह पे आपको लेके नहीं जाऊँगा तो आपको मजाक लगेगा। तो मैं ऐसी कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता जिसमें कि सत्यता ना हो। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं ये पानी यहाँ पर कैसे आ रहा है बिना बारिश के। तो आगे वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ यहाँ पर कौन कौन आ रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए, गणेश और हिमांशु को आप जानते ही होंगे, तो ये दोनों मेरे साथ आ रखे हैं, और जो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इन्हीं के द्वारा ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इनकी वीडियोग्राफी आपको कैसे लग रही है वो भी ज़रूर बताना, और अगर थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी टंकी नज़र आ रही होगी, तो इस सी टंकी से हमारे गाँव में पानी जाता है ऐसे बारीक बारीक पाइपों के द्वारा। तो इस टंकी में पानी कहाँ से आता है, और ऊपर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी एक छोटी सी टंकी है, वहाँ पर भी पानी है। तो सभी चीज़ें मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ कि गधेरों में पानी कहाँ से आता है, इस टंकी में पानी कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा यहाँ पर सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर सफाई नहीं करेंगे तो आपको सही तरह से नहीं दिख पाएगा कि हमारे पहाड़ों में पानी कहाँ से आता है। तो अभी थोड़ी बहुत जितनी सफाई हमसे हो सकी हमने कर ली है, और अभी मैंने आपको वो टंकी दिखाई थी, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी हमने सफाई की है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक कुआं टाइप का है, तो यहाँ पर पानी थोड़ा स्टोर हो रहा है, और जैसे ही पानी यहाँ पर स्टोर हो रहा है उसके बाद वो यहाँ पर नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पानी कहाँ से आ रहा है, तो चलिए इसकी तहकीकात करते हैं और आपको बताते हैं ये पानी कहाँ से आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अंदर भी आपको पानी नज़र आ रहा होगा, इधर पूरा पानी, थोड़ा थोड़ा आपको पानी नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर भी पानी है, और ये पानी यहाँ ऊपर से कहीं से आ रहा है। तो चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं पानी आ कहाँ से रहा है। यहाँ पर भी पानी है, और यहाँ दिखाऊं मैं तो दोस्तों, आखिरकार वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ से ये पानी आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए अंदर, तो
तो ये वो जड़ है जहाँ से ये पानी निकल रहा है। तो गाइज मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि एक जड़ से यहाँ पर पानी निकल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोई चमत्कार नहीं है। कई लोग इसको चमत्कार मानते हैं लेकिन इसके पीछे साइंस है, क्योंकि जो जड़ होती है वो मुख्य भाग होता है एक पेड़ का, क्योंकि जड़ ही पूरे पेड़ को यहाँ पर जल पहुँचाती है। जब किसी पेड़ की जड़ में पानी की कमी आ जाती है तो वो भूमिगत जल को अपनी ओर अवशोषित करती है, और जब ज़्यादा ही जल अवशोषित कर देती है ना कोई जड़, तो उसके बाद पानी ज़्यादा होने की वजह से पानी अपने लिए रास्ता ढूंढता है। आपने सुना होगा कि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता है, तो वही यहाँ पर हो रखा है। जब इस जड़ ने पानी ज़्यादा अवशोषित किया होगा तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से पानी बाहर निकला और वही पानी यहाँ से अभी निकल रहा है, और यहाँ से निकल रहा है, और फिर से यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कोई पानी नहीं है, फिर यहाँ निकल रहा है, ये देखिए। तो ऐसे ऐसे पानी ने अपने लिए यहाँ पर रास्ता बनाया है, और ये देखिए यहाँ से नीचे जा रहा है, तो मैं आपको बताते चलता हूँ नीचे भी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको उतना पानी नज़र नहीं आ रहा होगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर पानी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर फिर पूरा पैक है देखिए, फिर आपको थोड़ा यहाँ पर अंदर पानी देखने को मिलेगा, और ये पानी धीरे धीरे जमा होके पहुँच रहा है कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पर मैंने आपको बताया था एक कुआँ टाइप का है। ऊपर आपने देखा जहाँ पर जड़ है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी पानी स्टोर यहाँ पर हो गया है, और यही पानी स्टोर होने के बाद फिर जा रहा है कहाँ, नीचे वाली टंकी में। तो चलिए नीचे वाली टंकी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर ऊपर थोड़ा पानी था, थोड़ा स्टोर होने के बाद थोड़ा पानी जमा हुआ, और यहाँ पर देखिए आपको एक धार नज़र आ रही होगी पानी की, काफ़ी मोटी धार, और अंदर देखिए यहाँ पर इतना पानी स्टोर हो रहा है, और ये पानी स्टोर होने के बाद कहाँ जा रहा है, हमारे गांव खमोली में ये पानी जा रहा है, और वही पानी पी के आज हम जिंदा है और आपके लिए वीडियो बना पा रहे हैं। तो यही प्रोसेस होती है हमारे पहाड़ों में पानी आने की। आपको मैं चारों साइड यहाँ पर दिखाऊं तो आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल आपको नज़र आ रहा होगा। तो यही जंगल जब ये पेड़ अपने और अपने लिए पानी अवशोषित करते हैं, और पानी की अधिकता होने की वजह से जो भूमिगत जल है वो अपने लिए रास्ता बनाता है। और अभी मैंने ऊपर से आपको बताया कि किस प्रकार वहाँ से पानी आ रहा है धीरे धीरे जड़ से निकल के और यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो जैसे स्टोर यहाँ पर हो रहा है वैसे ही गधेरों में भी पानी आता है। तो यही पूरी प्रोसेस होती है हमारे पहाड़ों में पानी आने की। तो यही बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा था। तो आपको दिखाने के लिए हमने इसको थोड़ा खोला था, और जिस प्रकार इसको पहले ढक रखा था उसी प्रकार एक बार फिर से हमने व्यवस्थित करके इसको ढक दिया है, और जो नीचे वाली टंकी है उसको भी हमने पूर्ण रूप से ढक दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो हिमांशु और गणेश के हाथों में आपको बहुत सारे पत्ते नजर आ रहे होंगे, तो क्या है आप ही बता दीजिए। दालचीनी नहीं, ये तेज पत्ता है, इसकी जो छाल होती है उसको क्या बोलते हैं, दालचीनी बोलते हैं। तो इसको गढ़वाली में क्या बोलते हैं वो भी बता दीजिए। इसको बोलते हैं गढ़वाली में खिकड़ू, और हिंदी में तेज पत्ता, और इसकी जो छाल होती है इसको बोलते हैं दालचीनी। तो चलिए अभी तेज पत्ते का हम आनंद उठाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बोले जा रहा हूँ तो गला सूख जाता है। तो अभी हम तेज पत्ता किकड़ू का आनंद उठाते हैं, और उसके बाद चलते हैं घर की ओर, और यहाँ से हमारे घर तक पानी कैसे जाता है पाइपों के द्वारा वो भी आपको हम बताते चलेंगे। और एक दिन मैं ऐसे वीडियो भी आपको जरूर बताऊँगा जो भी हमारे पहाड़ों में जड़ी बूटी होती है, इस प्रकार के तेज पत्ता जो मसालों में गिरता है, तो सभी चीज़ें मैं आपको डे बाई डे आपको बताता रहूँगा। तो इसीलिए कहते हैं अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अभी तक थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए अभी किकड़ू तेज पत्ते का आनंद लेते हैं। तो अभी हम गधेरे के रास्ते जा रहे थे घर, तो मैंने सोचा क्यों ना गधेरे में भी आपको बताया जाए कि किस प्रकार गधेरे में जड़ से पानी आ रहा है और फिर गधेरे में पानी बह रहा है। वैसे मैं आपको आगे बता चुका हूँ, चाहे गधेरे में हो चाहे वहाँ पर जहाँ पे हमने पानी स्टोर कर रखा अपने गाँव के लिए, तो सभी जगह जड़ से ही ये पानी पहाड़ों में आजकल निकलता है। मानसून के समय पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मानसून के समय पर जो गधेरे आते हैं वो अक्सर बारिश के पानी से ही आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको चारों साइड यहाँ पर जंगल नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर नीचे गधेरा है, तो ये गधेरे में पानी कहाँ से आ रहा है देखिए। तो आपको यहाँ पर नमी नजर आ रही होगी, तो ऊपर से देखिए यहाँ पर एक जड़ है, और इस जड़ से यहाँ देखिए इतना सारा पानी यहाँ पर बूंदों के सारे नीचे गिर रहा है, ये देखिए। तो यही पानी धीरे धीरे यहाँ पर जमा होके यहाँ पर फिर पानी नहीं है, और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कितना सारा यहाँ पर पानी हो गया। तो अभी तक आपने देखा कि पानी कहाँ से निकल रहा है और कैसे हमारे पहाड़ों में पानी निकलता है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, तो पानी की पावर आप देखिए, कभी ये पत्थर पूरा यहाँ तक रहा होगा, लेकिन पानी ने अपने रास्ते के लिए पूरे पत्थर को यहाँ पर काट के यहाँ पर नहर बनाई है, और इसी पानी से अभी गणेश अपनी प्यास बुझा रहा है, बोले तो यहाँ पर पानी पी रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे पाइपों के द्वारा हमारे गाँव तक पानी पहुँचता है, और यहाँ पर देखिए क्या ही जुगाड़ करके इसको यहाँ पर अटका रखा है, क्योंकि
जो जंगली जानवर होते हैं वो पूरा यहाँ पर हमारे नल को बार बार तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके इसको अटकाया गया है जिससे कि जंगली जानवर तोड़ ना सके। और घर जाने के लिए एक रास्ता ये है और एक रास्ता इस गधेरे से हम होते हुए जाएंगे जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था जब हम जा रहे थे। तो यही वो सूखा गधेरा है, पंगरोली का गधेरा जिसको हम बोलते हैं। यहीं पर हमारा पंगरोली स्टेडियम भी है और ऊपर देखिए हिमांशु और गणेश बंदर की तरह बैठे हुए हैं ऊपर पत्थर पे। तो चलिए वो हमको बुला रहे हैं तो हम भी उसी रास्ते चलते हैं। तो अभी हम टंकी पे पहुंच चुके हैं और जहां से मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पहाड़ों में पानी कहाँ से आता है तो आपने वहां पर देखा होगा बूंद बूंद से वहां पर पानी आ रहा है और वहां से वो बूंद बूंद इकट्ठा होकर हमारी टंकी तक पहुंच रही है। और यहां पर हमारी टंकी पूरी भर रखी है और यहां पर देखिए कितना सारा यहां पर नल के द्वारा हमारे यहां पानी आ रहा है। तो वो कहावत किसी ने झूठी नहीं कही होगी, आपने भी कहावत कई बार सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। यहाँ पर सागर तो नहीं भर रहा है लेकिन बूंद बूंद से हमारी टंकी भर पा रही है, ऐसे कि हमें पानी मिल रहा है, हम पानी पी पा रहे हैं और आपके लिए ऐसी शानदार पहाड़ से वीडियो बना पा रहे हैं। तो चलिए हमने आज यही आपको बताना था कि हमारे पहाड़ों में पानी कहाँ से आता है। तो आज की वीडियो को अपनी टंकी तक ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा भी पानी पी लेते हैं।